हेलो फ्रेंड्स, ऐसी चाय जो आपको चाय का मजा तो देगी, साथ साथ आपके जो बेली फैट है उसे भी रिड्यूस करेगी, जो जिद्दी फैट है उसे भी कम करेगी। इसे आपने सुबह खाली पेट लेना है, दोपहर को खाना खाने के बाद जैसे 4 बजे भी आप ये चाय ले सकते हैं, रात को सोने से पहले एक बार इसे लेना है। ये जो चाय है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएगी, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, पाचन क्रिया को भी बढ़ाएगी, और जैसे सर्दी खांसी कफ है उसे भी ये ठीक करेगी। तो फ्रेंड्स, ये जब चाय पियो तो उसके साथ तला भुना हुआ चीजें, पकोड़े वगैरह नहीं खाना है आपने इसके साथ। और खाना जब भी खाएं उसे चबा चबा कर खाएं, कम से कम 32 बार। अगर 32 बार नहीं चबा सकते हैं तो कम से कम 15-20 बार चबा कर खाएं, तो आपका जो ये फैट है महीने भर में पूरा कम हो जाएगा। तो इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। अजवाइन की पत्ती, तुलसी, अदरक और दालचीनी, इनकी हम चाय बनाएंगे और फिर हम नींबू डालेंगे चाय बनने के बाद। पानी उबल चुका है, अभी हम इसमें ये सारी चीजें डालेंगे, अदरक, अजवाइन की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां और दालचीनी। इसे कम से कम हमें 5 मिनट तक उबालना है। इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, इसे 1.5 ग्लास होने तक हमें उबालना है और उसके बाद इसे हम नींबू डाल के पियेंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छे से उबल गया है और जिन्हें ज्यादा चाय की तलब होती है वो थोड़ा सा, आधा टीस्पून, आप आधे से कम टीस्पून आप चाय पत्ती डालें इसे, तो ये आपकी ब्लैक टी जैसे बन जाएगी। अगर आप चाय पत्ती डालना चाहते हैं तो डालें, अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे ज्यादा बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे रात के लिए भी अभी आप बना के रख देंगे तो भी चलेगा। अभी हम इसमें नींबू डालेंगे, नींबू आधा काट के निचोड़ना है। फ्रेंड्स, तो ये चाय पीजिए, अपना फैट रिड्यूस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।